नमस्कार, सभी नेपालियों को प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक प्रकट करना चाहिए, क्योंकि प्रणब मुखर्जी ने नेपाल के लिए बहुत ही बड़ा काम किया है जो कि नेपाली लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। दोस्तों, आपको पता होगा कि कोरोना इन्फेक्शन प्रणब मुखर्जी को हो गया था, उसके बाद दिल का दौरा उनको पड़ा और उनका निधन हो गया। तो आज हम प्रणब मुखर्जी के नेपाल से क्या संबंध थे वो बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या है, इससे पहले आपको ये बता दें कि बांग्लादेश ने एक दिन की छुट्टी और शोक रखा है प्रणब मुखर्जी के निधन पर अपने देश बांग्लादेश में। देखिए दोस्तों, नेपाल को स्थिर और शांत बनाने में सबसे बड़ा योगदान है प्रणब मुखर्जी का। सन 2000 से और 2008 तक नेपाल पूरी तरह अशांत हो गया था और अस्थिर हो गया था। आप वहां पे 7 बजे के बाद नहीं चल सकते थे, ऐसी कंडीशन हो गई थी नेपाल में। 7 बजे ही कर्फ्यू लग जाता था, क्योंकि उस समय माओवादी और राजा की सेना में झड़पें चलती थी। माओवादियों ने उस समय नेपाल में भारत की इंडस्ट्रीज को, जो भारत ने वहां पे उद्योग खोले थे, उनको भी बहुत नुकसान पहुंचाया था। और नेपाली माओवादी भारतीय नक्सलवादियों से मिले और भारत को भी इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया था। फिर भारत सरकार की अगुवाई करते हुए प्रणब मुखर्जी ने गिरजा प्रसाद कोइराला से कहा कि माओवादियों को कहें कि वो हथियार डाल दें और वार्ता की मेज पर आए और लोकतांत्रिक ढंग से, यानी वोटिंग करवा के नेपाल की सत्ता में आने का प्रयास करें, बंदूक के बल पे सत्ता छीनने का प्रयास ना करें, ये कहा था प्रणब मुखर्जी ने। हालांकि प्रणब मुखर्जी ने ये चीजें डायरेक्ट बिल्कुल नहीं कही थी, ये गिरजा प्रसाद कोइराला द्वारा कही जा रही थी ये बातें माओवादियों के लिए कि आप हथियार छोड़ दें और वार्ता की मेज पर बैठें। तो पहले माओवादियों ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद प्रणब मुखर्जी द्वारा माओवादियों को कहा गया, यदि आप हथियार नहीं छोड़ते हैं तो जो कांग्रेस पार्टी ने राजा को हथियार देने पे प्रतिबंध लगाया था, वो प्रतिबंध भारत सरकार खोल देगी और किंग ज्ञानेंद्र को अत्याधुनिक ड्रोन, हथियार, सब कुछ देगी, जिससे कि माओवादियों का सफाया लगभग 2 महीने में हो जाएगा। ये धमकी दी थी प्रणब मुखर्जी ने नेपाल के माओवादियों को। क्या धमकी दी थी कि माओवादियों को कहा कि आप हथियार छोड़ दें और वार्ता की मेज पर आए, अन्यथा भारत सरकार ने जो प्रतिबंध लगा रखा है नेपाल के राजा को हथियार देने का, वो प्रतिबंध भारत सरकार खोल देगी और इतने सारे हथियार देगी राजा को फ्री में कि वो माओवादियों का सफाया कर देंगे। और इधर प्रणब मुखर्जी ने गिरजा प्रसाद कोइराला द्वारा राजा को कहलाया कि आप गद्दी छोड़ दें, अन्यथा भारत सरकार माओवादियों को हथियार सप्लाई करना चालू कर देगी। यानी दोनों तरफ प्रणब मुखर्जी ने क्या किया, उधर राजा को कह दिया कि आप गद्दी छोड़ दें और इधर माओवादियों को कह दिया कि आप हथियार छोड़ दें और लोकतांत्रिक ढंग से आए, वोटिंग करें और सत्ता में जाएं, ये कहा प्रणब मुखर्जी ने। यानी नेपाल में स्थिरता लाने में प्रणब मुखर्जी का सबसे बड़ा योगदान है। अगर प्रणब मुखर्जी ऐसा नहीं करते तो हो सकता है आज तक नेपाल में राजा होते और माओवादी और राजा के बीच में वार चलती रहती, यानी अभी तक नेपाल अशांत होता यदि प्रणब मुखर्जी नहीं होते तो। अब नेपाली लोग सोचेंगे कि ये केवल मैं बोल रहा हूं, नहीं, नेपाल के बहुत सारे मीडिया एंकर हैं जो इस बात को बताते हैं कि नेपाल में स्थिरता लाने में प्रणब मुखर्जी का बहुत बड़ा योगदान है। आप सीधा समझें कि नेपाल में माओवादी या माओवादियों को सत्ता में लाना या माओवादियों से हथियार छुड़ाने में सबसे बड़ा हाथ प्रणब मुखर्जी का है, नेपाल को शांत बनाने में सबसे बड़ा हाथ प्रणब मुखर्जी का है। हालांकि नेपाली लोग उनके एहसानों को बिल्कुल नहीं मानेंगे, लेकिन नेपाली लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि आज जो आपका देश
लोकतंत्र बना हुआ है और मधेशियों को पूरे अधिकार मिले, थारू लोगों को अधिकार मिले, जो राय मगर गुरुंग तमांग लोग हैं इनको अधिकार मिले, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं भारत का ही हाथ है। यानी नेपाली लोग जो कहते हैं कि भारत नेपाल का विकास नहीं होने देता है, ये 100% गलत कहते हैं नेपाल के लोग। भारत ने आपके देश को लोकतंत्र देश बना दिया। लोकतंत्र देश जो होता है वो सबसे बड़ा विकास होता है किसी भी देश का, क्योंकि आज के समय में लोकतंत्र से अच्छी कोई भी शासन प्रणाली नहीं है। राजा के समय में जब मोनार्की थी उस समय में मधेशी लोगों को भी उतने अधिकार नहीं थे, थारू लोगों को उतने अधिकार नहीं थे, जो मंगोलियन टाइप के लोग हैं उनको भी उतने अधिकार नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार ब्राह्मण और क्षत्रियों को नेपाल में थे राजा के समय में। तो भारत ने नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना की और सभी नेपालियों को पूरा हक दिलवाया। इससे ज़्यादा विकास भारत क्या करेगा नेपाल का? अब नेपाली लोग क्या चाहते हैं कि भारत पैसा कमाए और सब नेपाल पे खर्चा कर दे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। भारत अभी भी अपने कम से कम 6 राज्यों का विकास बिल्कुल नहीं कर पाया, तो भारत नेपाल के लिए कहां से करेगा? लेकिन फिर भी भारत ने नेपाल के लिए बहुत कुछ दिया है। हालांकि नेपाली लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि नेपाली लोगों को भारत से नफरत है। क्यों नफरत है? क्योंकि नेपाली मीडिया में विदेशी फंडिंग है जो भारत के बारे में हमेशा बुरा कहती है, और नेपालियों को वो बात सच लगती है। आज जो नेपाली लोगों को भारत को गाली देने का अधिकार मिला है वो प्रणब मुखर्जी ने ही दिलाया है, यानी भारत ने ही दिलाया है। अगर वो अधिकार भारत नहीं दिलाता तो कोई भी नेपाली आज की डेट पे भारत को गाली नहीं दे पाता। आप जो भारत को गाली देते हैं उसका अधिकार भी भारत ने ही आपको दिलाया है। इतना बड़ा विकास भारत ने नेपाल में कर दिया और नेपाली कहते हैं कि भारत नेपाल का विकास नहीं देखना चाहता है। दोस्तों, भारत बड़ा देश है और नेपाल एक बहुत छोटा देश है। भारत को नेपाल से कोई मतलब नहीं है। भारत का टेंशन चाइना से है, कुछ पाकिस्तान से है, नेपाल से नहीं। नेपाल विकास करेगा, अपने पैरों पर खड़ा रहेगा तो नेपाल एक स्थिर देश होगा, शांत देश होगा, और शांत देश शांत नेपाल भारत के हित के लिए बहुत ही अच्छा है। यानी शांत नेपाल ही भारत के लिए सही है, और अस्थिर नेपाल जैसे माओवादियों के समय में हुआ, यदि दोबारा नेपाल अस्थिर हो जाता है तो वो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो नेपाल में शांति की स्थापना में प्रणब मुखर्जी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। धन्यवाद।